सबों को हाय हेलो गुड आफ्टरनून सब बच्चों को मैम टिल अदर बच्चास आर जॉइनिंग बिकॉज वी हैव अनदर 2-3 मिनट्स सो वी कैन वेट फॉर देम बिकॉज लगातार ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे तो जब तक बच्चे सारे ज्वाइन करते हैं आप तब तक बात करना शुरू कर सकते हैं इफ यू वांट टू लिसन एनीथिंग देन यू कैन डू दैट तो ठीक है धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं तब तक हम बच्चों से कुछ बातें करते हैं हेलो बच्चों आप लोग कैसे हो सब लोग मजे में गुड 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 मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कल ही हमारी म्यूजिक क्लास हुई है और आज फिर है तो आप सबों ने प्रैक्टिस जरूर की होगी जो भी हमने किया है कल वेरी गुड मुझे थम्स अप दिख रहे हैं वेरी गुड सब लोग दीजिए तभी फिर वेरी नाइस अरे बच्चों वाह दिल खुश किया सबने दिल खुश कर दिया लेकिन ये थम्स अप है अब मैं सुनूंगी भी ठीक है ना तब फिर मुझे पता चलेगा कि ये थम्स अप मैं जान रही हूँ ये पूरा ईमानदार थम्स अप है ये तो मैं सुनूंगी जरूर बिल्कुल सबने क्या क्या किया है अलंकार की प्रैक्टिस सबसे पहले आप कुछ भी करो बच्चों अलंकार की प्रैक्टिस जरूर करना ओके वो बेस होता है अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जितने भी वो राग हैं या अदर गाने भी हैं जो वो सब आप आराम से कर पाओगे ठीक है तो किसने किसने अलंकार की प्रैक्टिस मुझे बता सकते हैं रोशिदा हाथ उठा रही है और कौन अदिति आपने किया हिना ने किया वृत्ति ने किया जया विनीता ने किया अंजलि सूरज के यहाँ से हाथ उठावा उन्होंने किया अनुष्का ने किया प्रतिमा ने किया आदित्य पाल अनुष्का ने किया अरे वाह वेरी गुड खुशी शर्मा ने किया वेरी गुड बच्चों ने किया बहुत खुशी की बात है सबों ने हाथ उठाया है तो पक्का बच्चे मन के सच्चे होते हैं और वो बोल रहे हैं तो उन्होंने जरूर किया होगा और सबसे बड़ी बात है कि हम जब कुछ नया सीखते हैं बच्चों तो हम लगता है कि अपना 100% उसमें दें तो ये बहुत अच्छी बात है और आप अपने हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी संगीत के प्रति इतनी इतना अफेक्शन इतनी जागरूकता दिखा रहे हैं इसके लिए मैं आप लोगों को थम्स अप देती हूँ ठीक है सब लोग इसे खूब अच्छे से सीखें ये अनमोल है ठीक है तो ऐसा है अनुजी अब बच्चे आ गए धीरे धीरे अभी और भी ज्वाइन हो रहे हैं आगे एंड वंश एंड उन्नति के यहाँ से उन्नति आप उठ के बैठ जाइए बेटा हम लेट के क्लास नहीं कर सकते हैं बिल्कुल और म्यूजिक की क्लास में आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे आप ना पेट से गाते हैं अगर आप यहाँ से गाने लगेंगे ना तो आवाज ना सूखती है बेटा वो एक प्राणायाम की मुद्रा में होता है ठीक है और आपका गला भी खराब हो जाएगा अगर आप ज्यादा गले से गाएंगे तो बिल्कुल उस पर प्रेशर पड़ता है यहाँ से जो निकलती है आवाज वो धीरे धीरे दिल तक पहुंचती है और फिर गले से होते हैं वही स्वर हमारे मुंह से निकलता है ठीक है तो सबसे हर चीज का एक पोस्चर होता है डांस में भी एक पर्टिकुलर पोस्चर होता है आपके सर आपको सिखाते हैं कि ऐसे ही करिए आप कितने अच्छे से कल वो सिखा रहे थे कि सितार की मुद्रा में आप बैठे सितार है नहीं बट आपको दिखाना है कि आप सितार बजा रहे हैं तो हर चीज के एक इसमें एक पोस्चर होता है उस पोस्चर को हमें बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है तो आप जब इस तरह से स्ट्रेट बैठेंगे ना और जब सा लगाएंगे तो आपका सा बिल्कुल पक्का लगेगा बेटा लगेगा यहां से आवाज आ रही है झुक के गाएंगे ये करेंगे तो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन होती है आप लोग इतने समझदार हैं कि मुझे पता है आप सब अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे होंगे ठीक है
वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, आज शुरुआत हम अलंकार की प्रैक्टिस से करेंगे और आज हम एक नया गाना लेने वाले हैं, ठीक है? आज हम एक नए गाने पे काम करेंगे, देन उसके बाद फिर हमारा जो बेस है राग, उसको हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए भी आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए, वो है ना, तो सब कुछ है, ठीक है? इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ओके? अच्छा मनीमन जो है अपना वो अलंकार देख लीजिए, जो है प्रैक्टिस करिए उसको अभी, आराधना करें। चलिए हम लोग हाथ जोड़ के सरस्वती माँ का आह्वान करें और बोले, हे माँ हमें बल बुद्धि और विद्या प्रदान करें। बिल्कुल दिल से बोलेंगे, एक औपचारिकता नहीं निभानी है, हमें दिल से बोलना है, ओके? अनुजी स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे फिर बच्चे ज्वाइन करते जाएंगे। जी जी जी, जी मैम। हाँ बच्चों, सबसे पहले हमारे जो सात सुर हैं उसको हम साधेंगे, ओके? पहले मैं लंबा सा बोलूंगी, आप लोग पहले एक दो तीन बार मैं बोलूंगी सा, अगर एक बारी बेस बन जाएगा उसके बाद हम आराम से गा। आपको अपनी आवाज खुद सुनाई पड़ रही होगी कि आप बिल्कुल सा सुर में गा रहे हैं या नहीं। सा, हम आरोह अवरोह करते हैं, सारे गामा पधा निसा सानिधा पामा गए, ओके? पहले मैं एक बार गाती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको पॉज दूंगी, या ये सारे गामा पधा निसा आप मेरे साथ गाइए, अलंकार में मैं पॉज दूंगी। सारे एक बार और दोहराएंगे हम लोग, बच्चों मेरी आवाज थोड़ी आज लगी हुई है, इसको इग्नोर करिएगा, आप सुर में गाइएगा, ठीक है? हम आते हैं दूसरे अलंकार पे, ठीक है? एक बार मैं गा जाती हूँ उसको, उसके बाद फिर मैं दोबारा आपको पॉज दूंगी। सारी गरी गामा गामा पा मा पा धा
सा बोलिए। सारी ग रे गा म सरगम याद भी हो गया होगा। ठीक है, हम इसको एक बारी और गाएंगे, लेकिन अभी हम नेक्स्ट वाले की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, पहले सा बोलिए, थोड़ा लंबा मैं बोलूंगी, पहले सा सा दिए। सारी सारी ग रे ग रे गा म gama gama pa ma pa ma pa dha pa dha pa dha ni dha ni फटाफट हम दोनों अलंकार की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसमें से मैं पॉज देती हूं, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारी बेस बन जाएगा। ओके, सारी ग रे गा म गा म पा मा पा धा
ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सारी सारी ग रे ग रे ग म ग म ग म प म प म प ध प ध प ध नि ध नि ध नि सा सा नि ध ओके बच्चों, आज हमने जो अलंकार सीखे थे उसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस की है और हमने लगभग सारी जितनी भी क्लासेस हैं इसमें इसकी प्रैक्टिस की है और अनंत हम जब तक गाते रहेंगे अपने गले से तब तक हम इस अलंकार की प्रैक्टिस और इन सात सुरों की प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे बेटा। ठीक है, हाँ रश्मि कुछ कहना, क्या रश्मित कुछ कहना चाह रहे हैं? रश्मित रेज हैंड, क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे, कुछ कहना चाह रहे हो आप? जिसको भी कुछ कहना है वो चैट पर लिख दे एक्चुअली, क्योंकि अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो प्लीज बच्चे आप लोग चैट पे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, हम किसी तरह की कंफ्यूजन में आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप एक बार और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर भी कर सकते हैं, जैसा भी आप बोले, हम आपको सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। या कोई सुनाना चाह रहा है इसलिए उसने हाथ उठाया? मिस्टेक से हुआ मैम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि बच्चों ये क्लियर हो गया है, कम से कम अगर आप इन तीन अलंकार के, एक तो सारेगामा जो हमारा बेस है और ये जो सारेगा रेगामा सारे सारेगा, और आपने अगर पिछली बार में तो उसमें दो और थे जिसके आपने स्क्रीन शॉट्स लिए होंगे, उसके अगर आपको सुर का ज्ञान हो जाएगा तो उसे भी आप बहुत ही अच्छे से गा सकते हो। सारेगामा रेगामा प गामा प ध, वो मैंने आपको कल भी बताया था, बस एक बारी मैं गा के आपको सुना देती हूँ। सारे गामा, क्या मैम दोबारा बता दो कौन बोल रही हैं? ये आरती, इन्होंने जो नया, मुझे लगता है जिन्होंने ज्वाइन किया है ना वो बता रही हैं, वो बोल रही हैं कि अच्छा बच्चे मैं अनुजी से बोलती हूँ, आपने नया ज्वाइन किया है, मैं एक बारी फिर से प्रैक्टिस कराऊंगी और नेक्स्ट जो अब दो क्लासेस बची हैं मैं उसमें भी कराऊंगी आपको। ठीक है, अभी फिलहाल ये है इन अलंकार की प्रैक्टिस आप सब करेंगे। ठीक है अनुजी, कोई आरती है वो नोएडा से, उन्होंने ये किया है, उनको अगर वीडियो वगैरह चला जाएगा उन्होंने कहा आरती आपको जो यूट्यूब का वीडियो है ना बेटा वो मिल जाएगा और आपके बारे में भी बता दिया जाएगा। रुचि आप बता दीजिएगा, आपके पास होगा उनका डिटेल तो आप ऐप का भी बता दीजिएगा और इनको वीडियो भी भेज दीजिएगा, शाम को वीडियो चला जाएगा बेटा, आप लोग अलंकार फिर अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी होगी बेटा, मैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बारी आपको एकदम सही सही प्रैक्टिस कराती हूँ, उसके बाद आपको खुद से करना होगा। ठीक है क्या पूछ रही है? देखिए आप कोई भी चीज शुरू करेंगे ना बेटा तो सा तो जरूरी बोलेंगे, पहले सा बेस होता है, सा से ही शुरू होता है। ठीक है,
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज बच्चों हम एक नया गाना लेने वाले हैं। अभी हमने अपने ईश्वर को धन्यवाद किया, अपने माता पिता को धन्यवाद किया। अब ऐसे तो बहुत सारी हमारे आसपास चीजें हैं, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं हिंदुस्तान, उसे हम कितना प्यार करते हैं, कुछ ना सही, तो हम गाने गा के अपने जोश को, अपने प्यार को, अपने देश के प्रति हम प्रकट कर सकते हैं। देश को हम कंट्री भी बोलते हैं, वतन भी बोलते हैं, बहुत नामों से बुलाया जाता है। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना आया था, तो वो मुझे लगता है आप सबों ने भी सुना होगा, लेकिन ऐसे सुनने में और सीखने में बहुत फर्क होता है बेटा ये करके। तो मैं आज आप लोगों को ये एक गाना सिखाऊंगी, ठीक है? अभी हाँ, अभी आ रहा है आपके स्क्रीन पे। देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे ये गाना आ रहा है। ए वतन मेरे वतन, ए वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। देखिए ये इसका मेन आपके सामने आ रहा है। जिस भी मैं ये कंटिन्यूटी से मैं जो गाऊंगी वो गाने, क्योंकि जब आप इस गाने का रिकॉर्ड सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत ही ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन है, लेकिन वो इम्प्रोवाइजेशन आप अभी नहीं कर सकते कि जब तक कि आप उसका बेस नहीं जानेंगे। तो आज मैं आपको इस गाने का पहले बेस सिखाऊंगी, ठीक है? देन फिर आप जो है इसकी जो भी इम्प्रोवाइजेशन है वो आप करें। इस गाने को पहले आप आराम से सुन ले बच्चे, ठीक है? पहले शुरू का जो मुखड़ा है उसमें ए वतन मेरे वतन, ए वतन ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। अनु जी, इसमें जो है ना, जैसे ये लिखा हुआ है ना और जो गाना में गाया हुआ है, कोई नहीं, बच्चे वो सीख लेंगे, इनके सामने स्क्रिप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे एक सिस्टमेटिक जो गाया हुआ है ना वो मैं बताऊंगी, ठीक है? हाँ जी मैम, मैंने तो क्योंकि नेट से लिया था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बच्चों सबसे पहले आप इसे सुनिए, इस लाइन को फिर से कैसे हम गाते हैं, पहले कैसे शुरुआत है। पहले तो हम सांस आते हैं, ए वतन ए वतन मेरे, साथ साथ आप लोग गाइए, हे वतन मेरे। ये बिना किसी रिदम के जाता है, ये स्लो जाता है और ये बेस बनता है, ये शुरुआत है। हे वतन मेरे वतन, हे वतन मेरे, ठीक है? अब जब यहां से गाना शुरू होता है तो रिदम शुरू होती है। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। आपने देखा कि पहली लाइन जो मैंने गाई, मैं जहाँ रहूँ मैं जहाँ याद रहे तू, यहाँ हम रुक गए। जब हम इस लाइन का एंड करेंगे, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐसे हम आते हैं, एक एक स्टेप आते हैं। एक बार फिर से इसको दोहराइए। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। अब जो आता है, ऐ वतन, यहाँ जो आपने शुरू में गाया, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। अब कैसे बोलेंगे, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। देखा आपने, हमने दो तरह से बोला इसमें, ऐ वतन, एक बारी हम ऊपर से हमने बोला और एक बारी जब आते हैं तो हम नीचे बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं तार, मध्य और मंद्र। ऐ वतन मेरे वतन, हम ऊपर की तरफ गए, ऐ वतन मेरे वतन। पहले बोलो बच्चों, ये गाना कैसा लग रहा है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया, देश के लिए, ये बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर से हम इसको दोहराएंगे, शुरू में जो हमने कहा, ऐ वतन मेरे वतन। किसी ने लिखा, आई नो दिस सॉन्ग, सॉन्ग को जानना और गाना, गाने में फर्क होता है बेटा, आप उसे सीखिए, ओके। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मेरे साथ साथ सेकेंड लाइन आप लोग गाइए और फिर बाद में साथ में भी गाइए। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। फिर से इसको रिपीट कीजिए, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। बच्चों, आप लोग तक इस गाने की धुन अच्छी तरह से पहुंच रही है, आप धुन समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप साथ साथ गाइए। आप इसका जो भी है YouTube पे ये गाना सुनेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि उसमें इम्प्रोवाइज किया हुआ है, ये बेस है, ये आप सीख लेंगे तो आप आराम से फिर कर सकते हैं, ठीक है। फिर से गाइए, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। देखिए, ये जो गाना है बेटा, वैसे जनरली देशभक्ति ये गाने बड़े जोश वाले होते हैं, लेकिन चूंकि इस गाने में हमारे इमोशंस, जो सॉफ्ट इमोशंस हमारे देश के लिए जुड़े हुए हैं वो है, तो देखिए गाने की लाइनिंग और गाने की ट्यून जो है वो भी बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। एक बार हम इसकी फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू,
मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू ए वतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन ए वतन वतन मेरी आवाज रहे तू ए वतन वतन मेरी आवाज रहे तू मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू ए वतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन। अब बच्चों आप लोग कुछ चैट करके पूछ सकते हैं किसी तरह की, अगर आप धुन नहीं समझ रहे हैं ये क्या या आप तक बात पहुंच रही है बताइए। हाँ फिरोज ने हाथ उठाया है, क्या फिरोज बोलो बेटा क्या कहना चाह रहे हो। मैं फिर से एक बार ही दोहराती क्या मैम बाय मिस्टेक, अरे बाय मिस्टेक, ओके ओके कोई नहीं कोई नहीं, मुझे लगा शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक बार फिर से गाते हैं बेटा इसको, आपके सामने वो ये आ रहा है सामने स्क्रिप्ट और आपको गाना है, आप जितना गाएंगे इसकी धुन को समझेंगे बेटा ठीक है। ए वतन वतन मेरी आबाद रहे तू ए वतन वतन मेरी आबाद रहे तू मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू ए वतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन। देखा कितनी अच्छी लाइनिंग्स है और इसके धुन भी कितने अच्छे हैं। अच्छा देखो जब बच्चों तक ये बात पहुंच रही है, अच्छा ये मैम पता कैसे चलेगा कि हम कैसा गा रहे हैं, हम सुनेंगे आपका डोंट वरी, अभी पहले आप सुनिए ओके। वेरी गुड बच्चों, ये एंथुसियाज्म देखिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, गुड, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए कोई भी नया गाना सीखने के लिए। अब इसका अंतरा सुनिए, अंतरे की पहला ए वतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। कुल मिला के घुमा फिरा के आपका वही म्यूजिक है बेटा, लेकिन बस थोड़ा सा अंतरा में एक्चुअली वो डिफरेंट होगा ही। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू ए वतन वतन मेरी आबाद रहे तू। ये अंतरा की दो लाइन गा के हम फिर वापस से उस पे आ जाते हैं। ए वतन वतन मेरी आवाज रहे तू तू मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू ए वतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन ए वतन वतन मेरी आवाज रहे तू ए वतन वतन मेरी आवाज रहे तू मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू ए वतन मेरे वतन ए वतन मेरे वतन। अंतरा पे आइए। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद तुझे। सॉरी लाइनिंग्स में गलती हो गई है बेटा कोई नहीं, बट धुन सुनिए। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से
पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। जब हम ये दूसरी लाइन खत्म करते हैं, पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन वतन मेरी आवाज रहे तू, ए वतन वतन मेरी आवाज रहे तू, मैं जहां रहूं जावे याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। बच्चों आप लोगों को मुखड़ा और एक अंतरा जो है ये इसकी धुन मैंने बताई। अब आप बताओ कि आप ये गाना बहुत ही खूबसूरत है, मैं देख रही हूँ सबों के चेहरे बहुत खुश लग रहे हैं, ये गाना बहुत ही बढ़िया है, आप इसे बार बार गाना चाहेंगे बेटा, जरूर गाना चाहेंगे, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले सिखाया, ए वतन वतन मेरे आवाज रहे तू, टू टाइम्स उसको गाना है, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ये भी टू टाइम्स गाना है। देन जब वो टू टाइम्स में वापस आते हैं तो आने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, आप सबों ने देखा होगा। उसके बाद फिर हम क्या आ गए थे, ए वतन मेरे वतन, ठीक है पहला, और दूसरा जब हम बोलते हैं ए वतन मेरे वतन, ये डिफरेंस देखा आपने ना, है ना। तो पहली लाइन टू टाइम्स, सेकेंड लाइन टू टाइम्स, एंड उसके बाद हम आते हैं ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, समझ रहे हो इसको आप लोग, ठीक है फिर से हम इसको करते हैं। ए वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। यहाँ पे हमारा स्थाई खत्म हो जाता है, ठीक है, जब हम इसको खत्म करेंगे तब हम अंतरा शुरू करेंगे। एक बार फिर से स्थाई की प्रैक्टिस कीजिए। ए वतन वतन मेरी आवाज रहे तू, ए वतन वतन मेरी आवाज रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। गाने के बोल के हिसाब से हमें अपने भाव को प्रकट करना चाहिए, हम अपने वतन के प्रति ये श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। ए वतन मेरे वतन, इसमें लग रहा है ना कि हमारा देश। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, एक बार और गाइए। ए वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। क्या बच्चों अब धुन समझ में आ रही है आप लोगों को, बहुत हद तक समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों, कुछ कहना चाह रहे हो आप, नहीं तो फिर हम एक बारी अंतरे की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम सुनने की कोशिश करेंगे कि अंतरा या अस्थाई अंतरा आपने कितना पकड़ा है। ओके, ए वतन मेरे वतन, ए वतन ए वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझसे, ही मेरी मंजिल है पहचान तुझसे, पहुंचू जब पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। जब हम पहली लाइन बोलते हैं तो तू कैसे रुकते हैं, जैसे आपने गाया तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझसे, इसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं,
तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। कुछ आप अच्छा अनु जी आप गा रहे थे, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। जैसे हम आप वापस आते हैं ना स्थाई में, पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। किसने लिखा कि वॉइस इज क्रैकिंग? कनिष्का सिंह। बेटा कुछ नेट की प्रॉब्लम होगी इस वजह से। अभी मैंने जो बताया अंतरा के बाद जब हम वापस आते हैं तो ए वतन वतन को हम दो बारी नहीं गा के एक एक लाइन गाएंगे। पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, तू मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। फिर से गाइए। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। यहां हमने खत्म किया तो हमारा अंतरा शुरू हो जाएगा। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। अनु जी हम बच्चों से पूछें कि उन तक ये धुन पहुंची। मैम आप म्यूट पे हो अनुभूति जी। हाँ मैं बच्चों से जानना चाह रही थी कि ये धुन उन तक पहुंची कि नहीं, क्योंकि धुन सेकंड उसका भी एक ही है, बट मैं ये जानना चाह रही थी कि उन लोगों किसी तरह की कंफ्यूजन है, अगर कोई गाएंगे तो। मैं जरा सा करेक्शन भी आपके साथ साथ करती जा रही हूँ, इसलिए बार बार शेयर हटाती हूँ, बार बार करती हूँ। तो आई वॉन्ट टू टॉक टू आरती फ्रॉम नोएडा, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम हर। हाँ आरती नोएडा, आपको मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करो उधर से। आरती नोएडा, हाँ जी आप आ गए, आप अपना वीडियो ऑन कर पाएंगे? नेटवर्क इशू है तो ऐसे ही रहने दीजिए। हाँ ठीक है, आप गाइए बेटा, आपको हम देखेंगे कितना आपको समझ में आया। आप फिर से म्यूट हो गए। मैं हो गई म्यूट? नहीं नहीं आरती, आरती नोएडा। गुड, हाँ बेटा चलिए काम करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही आरती, जोर से गाइए। आप फोन को पास में रखो, उनको पास में लाइए फिर गाइए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही बेटा बिल्कुल भी। बेटा साउंड की प्रॉब्लम है, लिपसिंग तो चल रही है उनकी। हाँ तब तक हम किसी और को देख ले, बहुत सारे बच्चों। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चे, आरती आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोलो जोर से बोलो कुछ। हेलो बोलो जोर से। नहीं आ रही बच्चे, आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ लगता है आपके माइक में इश्यू है बच्चे।
आपको चेक करना पड़ेगा। साक्षी ने हाथ उठाया है, हैंड रेज किया, साक्षी तक मैं पहुंच गई। अनम्यूट करो साक्षी, साक्षी आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। हाँ जी गाइए। हेलो, हाँ जी, अब आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आती आवाज नहीं। किसकी आई अभी, साक्षी की थी कि आरती की थी? मुझे तो साक्षी लग रही थी, आरती की तो नहीं लग रही थी। हाँ ये साक्षी की थी, साक्षी गाइए। गाइए ए वतन वतन, ए वतन गाइए आबाद। सॉरी सॉरी मैम, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ये जहां रहो जहां मैं याद रहे तू, मैं जहां रहो जहां मैं याद रहे तू, ए वतन मैम इतना ही है। कोई नहीं बच्चे, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक कर रही थी, बट आपने सही उठाया है, इतनी देर में आप तक पहुंची है, ये एक बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है कि आप तक पहुंची है। अभी तो मैंने पहला दिन ही सिखाया है। चलो कोई और, कोई बच्चा? हिना ने बोला है, हिना, हिना मैं ढूंढ रही हूँ उनको। बहुत अच्छी धुन है, ये सब तक पहुंची होगी और आराम से गा सकते हैं, और आपने इस गाने को सुना भी होगा, लेकिन हाँ सीखने के लिहाज से नहीं सुना होगा। ठीक है, अश्मिता बोल रही है, मैम आई वांट, हिना का हो गया अनम्यूट मैम। ओके चलो हिना आ जाइए, फिर अश्मिता का कर ठीक है मैम। स्टार्ट करो। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। वेरी गुड बच्चे, आप तक भी बात पहुंची है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी पहला दिन है, उस लिहाज से आपने बहुत अच्छा पकड़ा है। ऊपर की दो लाइनें भी गानी है बच्चों, भूल गए। अश्मिता को अनम्यूट कर दीजिए, कहाँ है वो अश्मिता? ओके अश्मिता आपने आपको अनम्यूट कर लो। आइए अश्मिता। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन सॉरी पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। बहुत अच्छे बच्चे, क्लास के हिसाब से बहुत। अश्मिता गा रही थी ना अभी, बेटा कोई भी गाना शुरू करने से पहले हमें अपने स्वर को जरूर देख लेना चाहिए, इसलिए ओके देन आपका फिर सही जाएगा। कोई नहीं, ये पहले दिन के हिसाब से बहुत अच्छा है। और कोई? आई थिंक कनिष्का को चांस देना चाहिए, वो नई स्टूडेंट है। हाँ मैंने वो देखा उसका, हाँ, उनका शायद हमने आज तक नहीं सुना है। जी जी आप अपने आप को हम गाए? जी बेटा बिल्कुल गाएंगे। ए वतन मेरे वतन,
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन। वेरी गुड बच्चे। सबसे पहले जितने भी सीखने वाले हैं, मैं उनको एक बात ये जरूर बोलना चाहूंगी, जो आप गाना गा रहे हैं ना, उस गाने का भाव क्या है उसको सबसे पहले समझना। हम देश के लिए गा रहे हैं तो हमारे लिए वो जज्बा होना चाहिए, हम देश की प्रेज कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते तो आपके गाने की लाइनिंग से वो झलकना चाहिए। मेरे वतन, वो आपके गाने में झलकना चाहिए बच्चे। मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, आप देख रहे हैं कि गाने की लाइनिंग के साथ साथ भाव बदलते हैं। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं, ए वतन मेरे वतन। देखा बच्चे, इस गाने की लाइनिंग से आपके भाव झलकते हैं। मतलब ये नहीं है कि सरपट हमें गा देना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आज पहली क्लास है, जो भी आप गाना गाएं उसका पूरा भाव आपको होना चाहिए। वो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, रस होता है, श्रृंगार रस, विभस रस, बहुत तरह के रस होते हैं, नौ रस होते हैं। तो अगर कोई जोश वाला गाना है तो जोश से गाएंगे, जो थोड़ा सा श्रृंगारिक है उसको हम थोड़ा सॉफ्टली गाएंगे। ठीक है बेटा, ये बेसिक फर्क होता है, संगीत साहित्य सब आपस में मिले जुले हैं बेटा। बट वेल डन बेटा, कोई नहीं, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छा। मैम मैंने दोबारा से एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करवा। आरती नोएडा को मैंने अनम्यूट किया है, शी वांट्स टू सिंग। आरती, मैंने आपको अनम्यूट किया था, आप म्यूट कैसे हो गए? हाँ जी, आप कोशिश कीजिए, आपकी आवाज आ रही है तो। नहीं आ रही बेटा, आवाज ही नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, भाविनी भी बोल रही थी, अगर आप बोले तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को, वो तो मैं करवाऊंगी। अब आ रही आवाज? हाँ आ रही आती है। चलो चलो, वेरी गुड मैम, गाएं। हाँ जी अश्मिता, बार बार स्क्रीन पर नहीं लिखो प्लीज। वतन वतन मेरी आवाज रहे तू, ए वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरी वतन, मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन वतन मेरी आवाज रहे तू, ए वतन वतन मेरी आवाज रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। गुड वन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने कोशिश बहुत अच्छी की है बेटा, उतार चढ़ाव आप समझ रही हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा था। बट ये नहीं करो कि हम एक बारी पूरा अंतरा भी सुना दे, आप स्थाई को पहले पक्का कर लो। ओके, पहले जो दो लाइनें है ना उसको पक्का कर लो, देन आप जो है आप उसको अंतरे को ले सकते हो। वेरी वेल डन, गुड गुड, ठीक है। क्यों बच्चों, हम लोग क्या एक बारी और फिर प्रैक्टिस करें इस गाने की, या कोई और सुनाना चाहिए? मैम हमारे पास अब अगले 5 से 10 मिनट हैं बस, समय रह गए। हाँ तो फिर हम राग विहाग पर आ जाते हैं, एक बार वो भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अब बच्चा नेक्स्ट क्लास में आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आप सभी से सुनते हैं जो जो रह गया, और बाकी आप लोग अपने वीडियोस बनाकर भेज सकते हैं। एक वीडियो मेरे पास आज आ गया है लास्ट सॉन्ग का, अभी पहले वाले सॉन्ग का ही बनाना है। ठीक
ठीक है, जो लास्ट क्लास में सिखाया, अभी इसका नहीं, अभी ये पूरा सीख लीजिए तब इसका बनाइएगा। ओ मैम हम रात भी आग पर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, क्योंकि कोई नहीं, हमने ये गाना सीखा हुआ है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, इसकी बंदिश की प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, अभी हम लोग बिहाग राग गाएंगे। आपके पास जिस नंबर से फोन आता है ना, वहां पर आपको सेंड करना है, जिस भी नंबर से आपको आईडी मिलता है वहां पर सेंड करना है। सब बच्चे फिर उस मोड से इस मोड पे आ जाएं वापस अपने शास्त्रीय संगीत पे। भरत क्या ऑनलाइन है क्या? हम बिहार का आरो अवरो गाएंगे, ठीक है? सा नी सा ग म प एक बार फिर से आरो अवरो दोहराते हैं। नी सा ग म प नी सा नी ध प म प ग म ग रे सा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका पहले हम इसके गाने को गाते हैं, ठीक है? सा क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी भूल क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, कौन सी चूक या भूल जो भी है, कौन सी भूल भई है मोहन। Don't do this. कौन सी भूल भई है मुझसे, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। ये अस्थाई हो गया बच्चों। अच्छा, जिस जिन नए बच्चों ने ज्वाइन किया है बच्चों, सबको आपको वीडियो मिल जाएगा, आप इसे रिलेट कर पाओगे। अभी जो मैं गा रही हूँ वो साथ में आप गाओ, ठीक है? कुछ तो आपके जहन में जरूर जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, अब हम अंतरा गाते हैं। विनती करत तोरी पैया पड़त हूँ, विनती करत तोरी पैया पड़त हूँ, आई के दरस दी खा जामो हन, आई के दरस भी खा जामो हन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन, क्यों तुम रूठ गए मन मोहन। बच्चों हमने गाना तो आसानी से हम सीख लेते हैं, गाने की एक बारी हम लोग स्वरलिपि को भी गा लेते हैं। सा नी सा गा मा पा प नी सा नी नी पा प गा मा ग ग
नी सा गा मा प प नी सा नी नी प प ग म ग ग नी नी प प प प ग म प प ग म ग रे सा नी नी प प प प ग म प प ग म ग रे सा नी सा गा मा प प नी सा नी नी प प ग म ग ग गाना गा जाइए क्यों तुम रूठ गए मन मोहन क्यों तुम रूठ गए मन मोहन कौन सी भूल भई है मुझसे कौन सी भूल भई है मुझसे क्यों तुम रूठ गए मन मोहन ओके अब अंतरक का स्वरलिपि सरगम गाते हैं गामा गामा पापा नी नी का सा 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 नी रे सा गामा गामा पापा नी नी सा 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 नी रे सा पानी सा सा नी नी पापा गामा पा गामा गरे सा पानी सा सा नी नी पापा गामा पगामा गरीसा गाना गाइए विनती करत तोरी पैया पड़त हूँ विनती करत तोरी पैया पड़त हूँ आई के दरस दिखा जामो आई के दरस दिखा जामोहन क्यों तुम रूठ गए मन मोहन क्यों तुम रूठ गए मन तक मुझे लगता है बच्चों को बिहाग राग तो बहुत ही अच्छे से आ गया होगा स्वरलिपि एंड गाने मैंने हर दिन इसकी प्रैक्टिस करवाई है और मैं लास्ट तक इसे करवाती रहूंगी क्योंकि अगर आपने एक राग प्रॉपरली एक राग अगर आपने सीख लिया और उसका मध्य लय सीख लिया तो समझिए कि आपने आधा आधा आधी सीढ़ी आपने चढ़ी है ठीक है तो बच्चों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है इसमें अगर कुछ तो हमसे शेयर कर सकते हैं और कल बोला भी गया था कि वीडियो बना के भेजने के लिए आप सब लोग अपना वीडियो जरूर बनाइए बच्चे बहुत अच्छा लगेगा कल सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी सबको पार्टी मिलेगी सब जितने भी गुरु हैं ना सब बच्चों को पार्टी देंगे बिल्कुल पार्टी देंगे इतनी हमें खुशी मिलेगी ना कि हम मिलेंगे वैसा समय आएगा हम लोग पार्टी करेंगे कितना मजा आएगा सोचो और हम लोग संवेद स्वर में गाएंगे इस गाने को ठीक है अनुजी आज तो मैंने अपने हिसाब से ये क्या क्या कह रहे हैं मैम निषेध स्वर क्या होता है निषेध का मतलब ही होता है कि जो नहीं लगाया जाता है बेटा लेकिन इसमें निषेध कोई निषेध है कि जैसे किसी भी राग में आपको जो सारे ग म प ध नी है ना तो वो आपके साथ स्वर है लेकिन कोई अगर दूसरा राग आप अगर गाते हैं तो उस राग में क्या जरूरी नहीं है कि हर राग में हर सुर लगे ठीक है ये आप लोग आगे जानेंगे कि जिस राग में 5 स्वर का उपयोग किया जाता है उसे औड़व बोला जाता है औड़व और जिसमें 6 स्वर का प्रयोग किया जाता है उसे षड़व बोलते हैं एंड जिसमें 7 सुर लगते हैं उसे संपूर्ण बोलते हैं ठीक है ये सब अब जब बहुत विस्तार में जानेंगे तो इस सब चीज को आप जानेंगे निषेध का मतलब ही होता है कि प्रवेश निषेध आप जहां भी जाते हैं लिखा होता है यहाँ पे मना है आना मतलब इस सुर का प्रयोग इस राग में निषेध है ठीक है बेटा अश्मिता आप अभी म्यूजिक की क्लास की बात कर लो बाद में ये बातें कर सकते हो प्लीज कोई नहीं चलो बच्चों
अब आप लोगों को नया वाला गाना कैसा लगा ये मैं जानना चाहती हूँ, और उसकी धुन कितनी आप तक पहुंची है, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है नेक्स्ट क्लास का, इसलिए मैं थोड़ा सा फीडबैक अगर बच्चों से ले लूं। अनु जी अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपके बच्चे हैं मैम, मेरी इजाजत क्यों ले रहे हैं आप। हाँ नहीं नहीं, अब बताओ बच्चों सही में आपको अब बिहाग राग तो क्लियर हो गया ना, बिहाग राग क्लियर है आप लोगों को सब बच्चों को? गुड। बट बिहाग का आप लोग वीडियो बना के भेजिएगा बेटा, गैलेक्सी J7 प्रो। आपका नाम क्या है बच्चे? अभी तो वीडियो अटक गई। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू पूछ। हाँ बताओ कैसा लगा, आप बताइए कि नया वाला गाना आपको कैसा लगा। सागर विश्वकर्मा लिख रहे हैं न्यू सॉन्ग इज ग्रेट। आरती लिख रही है वेरी नाइस। खुशी लिख रही है वेरी नाइस। यशस्वी लिख रही है थैंक यू सो मच मैम एंड वेरी वेरी नाइस क्लास एंड एंजॉयड द क्लास, नाइस सॉन्ग मैम। संजय लिख रहे हैं, आरती नोएडा से लिख रही हैं, ऑसम। भावनी लिख रही है आई लव संगीत ऑलवेज, आई नो दैट वी कैन फील दैट भावनी, आप जिस हिसाब से गाते हैं पकड़ कर हमें लग जाता है। विजय लक्ष्मी वेरी नाइस अमेजिंग क्लास। अदिति पाल कह रही हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग। आरती बैरवा कह रही हैं, हिना कह रही हैं वेरी वेरी नाइस एक्सीलेंट क्लास मैम। फिरोज ने हिंदी में लिखा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारी हिम्मत बढ़ जाती है बच्चों, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। और सही में बढ़िया तब होगा फिरोज जब तुम हाथ उठाओ कहो कि मुझे गाना है। वही तो मैं सिर्फ वो गौर कर रही हूँ कि वो है कहाँ, वो कहीं मुझे दिख नहीं रहा है ना कहीं आगे आ रहा है। वो वीडियो ऑफ करना पड़ता है मैम, उसका फोन जो है ना हीट कर जाता है बहुत जल्दी। ओके, ओके, ओके। तो मैंने उसको परमिशन दिया हुआ है कि वो हीट करे, क्या हीट ना हो फिर ब्लास्ट व्लास्ट ना हो जाए तो अरे बाप। अश्मिता ने बड़ा लंबा सा मैसेज लिख के भेजा मैम, मैम द क्लास वॉज ऑसम एंड फैब, आई एंजॉयड द क्लास मैम, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव अ नाइस मैम लाइक यू, लव यू मैम, बाय। दिन बना दिया। राशिदा लिख रही है वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग एंड लव टू लव यू दिस सॉन्ग ऑलवेज मैम, वेरी वेरी नाइस सॉन्ग। एंड वंश लिख रहे हैं जो कि वंश उन्नति उन्नति लगातार टाइप कर रहे हैं कि बहुत परेशान किया उन्नति आपने, थैंक यू सो मच मैम। भावनी बाय मैम। तो ये सारे कमेंट्स बच्चों के आपके लिए आए मैम, बच्चा आर रियली एंजॉयिंग द क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, वेरी नाइस क्लास और बहुत मजा आया गाना सुनने में। बच्चों इस गाने की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे इस गाने के साथ, और जो हमारा बेसिक है वो तो है, मैं आप लोगों को एक नई चीज से परिचित करवाऊंगी। आपने रिदम तो सीखा है बट ताल होता है, राग के बाद ताल होता है गाने में, तो राग और ताल का क्या कॉम्बिनेशन है उसके लिए आप लोग प्रिपेयर करिएगा। ओके ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम। Pleasure, Anuji. Pleasure. Thank you so much, ma'am. And now I would like to invite Nitul sir. Nitul sir is all here. आप लोग बच्चा लोग जल्दी से अपने जो मोबाइल है वो सेट कर लीजिए. You have another 2 minutes. पंकज आज लेट की तो क्लास नहीं हो पाएगी बेटा, आपको उठना ही पड़ेगा. जल्दी जल्दी अपने वीडियो सब ऑन कर लीजिए, बिना वीडियो ऑन किए आपको हम परमिशन नहीं देंगे ये क्लास करने की। लावण्या अपना कैमरा सेट कर लो टाइकोंडो के लिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर हाँ सर, विनय सर, हेलो सर।
ऑल सेट बच्चों, सब हो गए सेट? पुनीत आप भी फटाफट सेट कर लो। अश्मिता अपना वीडियो ऑन कर लो। लता प्रतिमा, वंश विदुन्नति, एंजल, अदिति पाल, तुलिका, सब अपना वीडियो ऑन कर लो। ज्योति, come on quickly, quickly everyone, please. Nutan, Indrajit, Angel, Ashmita, Aditi Pal, आरती, ज्योति, राजू कहाँ है? राजू को भी बुला लो। अश्मिता ओपन योर वीडियो। एंजल, प्रीति, रोशनी, रोहन, रोहित टाइप कर दो। किशन एंड लकी ओपन योर वीडियो बेटा। अश्मिता ओपन योर वीडियो। अश्मिता, अश्मिता बेटा अगर आप लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो प्लीज मुझे फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा क्लास से। जीएनएसपी स्पेशल केयर होम ओपन योर वीडियो। एंड ये भी बता दीजिए आपके यहां से कितने बच्चे हैं। जननी धाम, रुचि एंड शिवानी जी प्लीज एक बार चेक कर लीजिए यहाँ से कितने बच्चे हैं। और वीडियो उनको अगर फोन कर सकें तो एक बार कॉल कर लीजिए वीडियो के लिए। नूतन सिंह ओपन योर वीडियो। अश्मिता, वृत्ति प्लीज ओपन योर वीडियो बच्चा। प्रीति, नूतन, पुनीत ओपन योर वीडियो। तो बच्चों सबका टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट कर लो। अश्मिता ओपन वीडियो। अनदर 2 मिनट्स वी आर गिविंग देम, अदरवाइज वी विल रिमूव देम। नूतन सिंह, आई टीच मैम। सबके नूतन का वीडियो ऑन था और अश्मिता का भी ऑन था ना, अश्मिता ने भी ऑफ किया। शिवानी एक बार आप लोग प्लीज उनका कॉल कर लीजिए। सपना जी, शिवानी जी, रुचि जी, रूपाली जी, सर वी कैन स्टार्ट द क्लास नाउ, इट्स ऑलरेडी 8 सर। सब लोग पोजीशन लो स्ट्रेट, पायल गेट अप। रेडी, अभी वार्म अप करेंगे, थोड़ा जंपिंग स्टेप करेंगे, ठीक है? Same position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, knee high. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, nice. Cross finger. Hands up. Have you got like that? Hands up and jumping. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Okay. Do like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Jogging home here. I will remove you from the class. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Head over here. Now shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Like that. Straight, hands straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Done. Show me hand. Hands straight. Go straight. 1. Yeah. Show me this side. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Look cross finger, body straight. 1, 2, 3, 4. Okay. Head, shoulder, same, heavy waist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And knee straight. Show me hand down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. Bend on knee. 1, 2, 3, 4, 5. Lakshman, they are doing now. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sit down. Smita, start your video. This is the last warning to you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, it says legs. Legs open. Show me hands down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Like that. 7, 8, 9, 10. Okay. Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Now hips up. Hip up. Up. Down. Up. Down. Up, down, up, down. Okay, show me that. Like that. And make this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very nice. 9, 9. Come on, rakho. Hold ke rakho. 1, again. Again, start. 1, 2, 3, 4. It is most important exercise. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, 9. Don't admit Ashmita now. I have removed her from the class. 10. Okay.
Team members have called her also. Arison? Play. Dubai. Taekwondo. Okay. Now. Please open your video. Pakistan. Ashmita, if you can't do it, you will be removed now and nobody is going to accept you back. So please do it. 2, 3, 4. Okay? Show me. I want to see you. Shashi, Shintu, open your video. Kwan. Get up, Ashmita. You have to do the class. You cannot sit down. Sugi number one, kya tha? Sugi number two, kya tha? 3, 4. If you want to be into the class, get up and do the class. Ma'am, like that, okay? One, haya. One make bar. Two make double. Haya, haya. Three make four oil. Four make back oil. Okay? Pele one to karo. One make haya. Two make haya, haya. Okay? One. Lakshman, they are doing. Two. Two. One. Two. Two. One. Okay. Now. 3, 4. Aise hai. 3, 4. 3, 4. Okay. Start. 3. 3 mein aage jana. 4. 3, 3, 4. Abhi. 3, 4 कर दिया. पहले आपने किया था 1, 2. बाद में क्या है 3, 4. ओके, तीन और स्टार. अभी आपको करना है एक साथ 1, 2, 3, 4. मैं 1 बोलूंगा 1 करना है, 2 बोलूंगा 2 करना है, 3, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 3. 2, 1, 1, 2, 3, 4. Very nice. Acha improvement. Very nice. Very nice. Wonderful. Okay. But kick, kick not normal. ओके, बिकॉज़ नाउ यू आर नॉट न्यू. ओके, आपने 3, 4 क्लास अटेंड किया है. ऐसे नहीं करने के लिए, इट इज फॉर लर्निंग. ये सीखने के लिए होता है, ठीक है? जो नए एडमिशन करते हैं ना, 2 दिन के लिए होता है ये चीज. आया आया. ओके, अभी हम क्या करें पाकिस्तान में. जोगी जोगी. ओके, पीछे लेग से 1 आया, नेक्स्ट स्विच 2 आया, नेक्स्ट स्विच. अभी गो रेडी हाई किक 1, 2, 3, fighting stand me 4. Yeah, jogging karta raho, jogging karta raho. 5, back leg se karna hai, jo piche par leg hai na. Suppose hum fighting stand hai, mera is leg pe, is leg se karenge, theek hai? Abhi jab main idhar hu, is leg se karenge. Idhar hu, is leg se karenge. इधर आएंगे तो इस लेग से करेंगे, पीछे वाले लेग से करेंगे, ठीक है? देख मतलब पैर से करेंगे, ठीक है? अगेन करना है 1, 2, 3, 4. ओके, स्टॉप स्टॉप. दिस लेग सेम की लेग डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट है. हाई अच्छा है. नेक्स्ट स्विच नंबर 1. Number 1, 1, 2. Okay, like that. Start. 1. Doing 2. Yeah. जब मैं काउंट करूँ तभी करना, ठीक है? 3. Yeah. 4. Pianchu, come on. Knee straight करना, Pianchu. Knee straight करना है, ठीक है? घुटने को straight करना है. 4. Good. 5, 6. Okay. Now front kick.
फ्रंट किक ए है ऐसे नहीं करना है आया 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 ऐसे नहीं करना है अभी अभी ऐसे करना है फाइटिंग स्टेप में वन आया टू निबेट पुश आया थ्री आया फोर निबेट आया निबेट पुश मैन के किक करना कुल पार फाइटिंग स्टेप में ठीक है स्टार्ट वन One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. टेन ओके ठीक है. इस बार हम आपने पहले तो ऐसे किया था ना बैलेंस होकर किया था अभी ना फाइटिंग स्टैंड में आपने किया फाइटिंग स्टैंड पे ठीक है. अभी आपको करना है साइकिक साइकिक भी फाइटिंग स्टैंड में करना है. साइकिक होगा फ्रंट लेग से साइकिक फ्रंट लेग से साइकिक ऐसे नहीं करेंगे ये सीखने के लिए होगा ठीक है. ये है हम हाइकिक फ्रंट किक इंचा तो सर किक हम फ्रंट किक बैक लेग से किया था. अभी हम साइड किक फ्रंट लेग से करेंगे. वन आया ये है इसको उठाया आया लाइक दैट फ्रंट किक वन लाइक दैट देखो पहले देखो जोगिंग वन आया टू आया ठीक है लाइक दैट वन टू थ्री. लक्ष्मण अच्छा कर रहा है ना ये लोग हाई मत करना. आप ज्यादा हाई कर रहे हो कुछ बात कम हाई करो. झुकना नहीं आप झुकोगी ना आप गिर जाओगी. झुकना नहीं है बेटा ज्यादा डाउन नहीं होना स्ट्रेट रखना वो बैलेंस के साथ रखना बॉडी स्ट्रेट रखना. तो ज्यादा डाउन होकर गिर जाओगे आप अनबैलेंस हो जाओगे ठीक है. हाई काम करो बैलेंस रखो बॉडी स्ट्रेट रखो ठीक है ओके. हमने साइकिक किया अच्छा किया आज ठीक है आप लोगों ने टुडे इज बेटर. अभी हम करेंगे पांच सिक्स स्टैंड रेसोन चुम्बा थ्री वन टू पांच सिक्स स्टैंड सो मी पांच सिक्स स्टैंड वन पांच सिक्स स्टैंड पांच सिक्स स्टैंड पांच सिक्स स्टैंड पायल पांच सिक्स स्टैंड वन सिंगल पांच वन. सर एक बार इनको खड़ा होके बता दीजिए बिकॉज कुछ नए बच्चे भी हैं. अच्छा अच्छा मैम ठीक है. पांच सिक्स स्टैंड आया सिंगल पांच आया टू आया सर कैसे खड़े हैं पुनीत सर कैसे खड़े हैं थैंक यू सर सेवन एट आया नाइन टेन थ्री पांच थ्री पांच रे वन डो वन हिमांशु थ्री ध्यान फोर Five, six, seven, eight, nine, three पांच. आपको बोलना है टेक ऑन दो ठीक है. आप बोल रहे हो ना ठीक है. हाई ब्लॉक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन उन्नति ओपन योर वीडियो टेन ओके ना अच्छे ब्लॉक वन टू लाइक दैट थ्री फोर फाइव
6 पुनीत आराम से 8 9 सर आपको 10. एक बार कराना पड़ेगा कुछ बच्चे नए हैं सर वो नहीं कर पा रहे ठीक है ओके नए बच्चों के लिए नए बच्चे पुराने बच्चे सब लोग पुनीत आप ध्यान से देखो पुनीत हिमांशु ध्यान से देखो 1 पहले देख लो पुनीत देख 1 लो पुनीत पहले देख ओके 1 अच्छा लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये था आउटसाइड ब्लॉक ठीक है अभी हम करेंगे हाई ब्लॉक 1 2 3 इसको ना ऐसे नहीं रखना इसको ऐसे रखना ठीक है 4 5 6 7 8 9 10 ओके ठीक है आपको येलो बेल के लिए आप लोगों ने जो बहुत बच्चों को अभी येलो बेल के एलिजिबल है वो लोग येलो बेल एग्जाम दे सकते हैं अभी हम दूसरा करेंगे जो बेसिक फॉर्म है जो इसका नाम है 10 स्टेप नंबर 1 10 होता है ना 10 10 स्टेप नंबर 1 ठीक है मैं आपको स्पेलिंग बता दूंगा ठीक है इसका सुबह टे वन डो ठीक है स्टार्ट आपको भी काउंट करना है आपको काउंट करना है 1 2 3 काउंट करना है जैसे मैं काउंट करूंगा ऐसे मेरे साथ भी काउंट करना है ठीक है 1 ये हो गया 2 ये हो गया 3 हायर 6 करना 7 8 9 10 1 2 अगेन 1 2 3 हायर 6 7 8 9 10 1 2 ठीक है 10 स्टेप है 1 ऐसे हो गया 2 में लेग ओपन हो गया 3 में क्या होगा व्हाट इज दिस 5 6 10 ये 5 6 10 हो गया 4 5 में काउंट नहीं होगा हाई आ बिकॉज़ ये 5 है 6 डायरेक्ट 6 आएगा 7 8 9 10 गोंडो इसको बोलते हैं काटा इसको बोलते पुम से बोलता है ठीक है पुम से बोलता है ये बेसिक फॉर्म है ठीक है आपको करके दिखाना है टेंस नंबर 1 सीधा स्टार्ट करो करो खुद करो प्लीज लक्ष्मण किसी को आ रहा है जो नया नया बच्चे हैं विजय मतलब यस ट्राई कर रहे हैं लोग एनजीओ का तो मतलब जो लोग कर रहा है मेरे से वो लोग तो आएगा ही बाकी जो नया बच्चे हैं जो 3-4 दिन से ऑलरेडी कर रहे हैं थोड़ा आ रहा लगता है ठीक है दोबारा करेंगे ठीक है चुप है टेक वन दो ये हो गया 1 में हैंड्स अप ठीक है 2 में ओपन हो गया 3 ठीक है आया 6 हो गया 7 8 9 1 2 अगेन 1 2 3 आया 6 7 8 9 1 2 बस ठीक है शशि ध्यान से देखो सर के पैर कहाँ जा रहे हैं शशि ध्यान से देखो ठीक है और ये जो 10 स्टेप्स सर ने बताए हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको येलो बेल्ट लेने के लिए ठीक है ओके अभी आपको किक मार्कर बैलेंस के लिए ठीक है ये साइकिक है किक मार्कर रखना है ठीक है ऐसे रखना है एंड को मार्क आप रखना ठीक है लाइक दैट ठीक है बैलेंस रखना बैलेंस देखो स्विच नॉट लाइक दैट सपोर्ट नहीं करना किसी पकड़ना नहीं है ठीक है लाइक दैट ठीक है Balance. Start. 1. Good. थोड़ा करो. 2. Balance करो, sir.
3. Simran, balance. 4. 5. 6. बैलेंस रखो, बैलेंस रखो, होल्ड नहीं करना है, सपोर्ट नहीं लेना है, विदाउट सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट. 100 जितनी ऊपर जा रहे हैं उतनी ऊपर रख के बैलेंस करने की कोशिश करो. आपको इतना जरूरी नहीं है कि ऊपर करो, नीचे करके बैलेंस रखो. ठीक है, जब नीचे करना आ जाएगा ना, आने का बैलेंस आने के बाद आप फ्लेक्सिबल होने के बाद ऊपर आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, यस, नीचे करके बैलेंस पा रहा हो. ठीक है, ओके, नाउ ऑल ऑफ यू पुशअप्स करना है, 20 पुशअप्स, 10 10, 20 पुशअप, रेडी, स्टार्ट विथ मी. With me, start. Come on. Ready? Push ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ask. Come on. 1, 2, continue, continue, spot. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. खड़े हुए हो आप. ओके लक्ष्मण, अभी बच्चों को दिखाना नहीं, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट के लिए हम लोग अभी हम लोग दोनों पुशअप करके दिखाएंगे. ठीक है, स्लैप पुशअप, क्लैप पुशअप. लक्ष्मण, कैन यू डू क्लैप पुशअप? सर, आई थिंक सर यू कैन. आप करते हो ना क्लैप पुशअप, जो क्लैप करके पुशअप करते हैं ना, आमिर को आता था ना आज तो सिस्ट. सर एक्चुअली आई कांट ओपन माय वीडियो बिकॉज़ देयर इज अ नॉट नेटवर्क इशू. ओके ओके ओके, ठीक है. देखो ये पुशअप आप लोग अभी नहीं कर पाओगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, ये होता है ना, ये लॉक में नहीं होता. 1, ठीक है, लाइक दैट. 2, ठीक है, लाइक जंप करके. ये अभी नहीं आएगा, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. ठीक है, अभी नहीं करना है, लग सकता है आप लोगों को. ठीक है, वेरी डेंजर है. ठीक है, हैव यू सीन, सबको देख देख देखे ना. ओके ठीक है, अभी नहीं करना है, थोड़ा कुछ नहीं करना. ठीक है, अरे सॉन सुपर डे बॉन्डो. ठीक है, किस टाइम सुगी नंबर 1, सुगी नंबर 2, हाया हाया, सुगी नंबर 3, आगे जाना है, सुगी नंबर 4, सुगी नंबर 4, 3, 3, ठीक है, 1, 1, 2, 3, 3, आगे आना, आगे आना है, 4, 2. लक्ष्मण आ गए ना, किसी को सबको आ रहा है ना. ओके यस सर, आ रहा है. दोबारा करना है. ठीक है, हाई किक. मैं सिर्फ बताऊंगा, मैं करके नहीं दिखाऊंगा. ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ. ठीक है, हाई किक, किक इस टाइम. 1, 2, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, इंचा तो सब किक, इंशा तो सब किक. 1, 2, फ्रंट किक. 1, फ्रंट किक 2, साइड किक. 1, 2, ठीक है, अच्छा किया. अलसा चुंबे दे गॉन दो. टेंस नंबर 1, सीज़ अप, स्टार्ट करो. 1, 2, टेंस नंबर 1, स्टार्ट. ओके, रिसॉन, चुम्बर, टे, वन, दो. टेंस नंबर 1, 1, 1, हैंड्स अप, 2, 3, आया आया, 6, 7, 8, 9,
टेक्वांडो, वेरी सिंपल है, ठीक है, अगेन करना है, वन टू थ्री हायर हायर सिक्स सेवन एट नाइन टेक्वांडो, शो मी टेस्ट नंबर वन. अच्छा है, कुछ आ रहा है, ठीक है, ओके. नाउ पाकिस्तान, पाकिस्तान, यस, आई एंड सी, ठीक है. सिंगल पांच, वन सिंगल पांच, वन हाया हाया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, थ्री पांच, वन टेक वन दो, वन टू थ्री फोर हाई ब्लॉक, वन हाई ब्लॉक, वन टू थ्री फोर अच्छा ब्लॉक, वन टू थ्री फोर, ओके. नाउ गुड, नाउ एंड पायल, मनोज, खुशी, मैम एक बार बच्चों को, मैम पांच पांच बच्चों को थोड़ा मैम एक बार ट्रायल ले लूं क्या मैम? मैम मैम जी सर बिल्कुल, मैं एक बार पांच पांच बच्चों को ट्रायल ले लूं मैम एक मिनट करके. जी बिल्कुल सर बिल्कुल, आपके स्क्रीन पर कौन आ रहे हैं आप उनको बोल दीजिए, वो लोग देख, ठीक है, मैं करता हूँ स्क्रीन. मैं एक दफा पायल, मनोज, खुशी शर्मा, स्टैंड अप, नाम बता रहे स्टैंड अप होना जाना, ठीक है. अजय, जया, विनीता, विजय लक्ष्मी, यजस्वी शर्मा, गुलशन, ओके स्टैंड अप, ये करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके. अटेंशन अटेंशन अटेंशन, तुम दोनों को करना है, गुलशन और भाई को भी. देखना है, देखे सब बच्चे, ठीक है, ओके. लक्ष्मण वसु चेक कर लेना, पांच सिक्स टेन, ओके मॉम, थोड़ा ताकत देखो भैया, भैया ऐसे नहीं, नॉट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे नहीं, आवाज सुनाई नहीं दे रहा हम लोग, आप भी नहीं, आवाज सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलूं, ऐसे नहीं है, ठीक है, थोड़ा बी एक्साइटेड, ओके, एक्साइटमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. थ्री पांच, टू हाई ब्लॉक, टू चिकिस्तान, सुखी नंबर वन, सुखी नंबर टू, सुखी नंबर थ्री, सुखी नंबर फोर हाई किक, फ्रंट किक, टेस्ट नंबर वन, सिजक, टेस्ट नंबर वन, सिजक, सिजक मीन स्टार्ट, इट इज कोरियन वर्ड, वन टू थ्री, टेंथ स्टेप नंबर वन, टेंथ स्टेप, टेंथ स्टेप, ओके, कोई बात नहीं, टेंथ नंबर इज न्यू फॉर यू, ओके, कोई डोंट वरी, मैं दोबारा आके सिखाऊंगा, ठीक है, बाकी सब 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 लोगों ने बाकी अच्छा किया, ठीक है, आप लोगों ने अच्छा किया है, टेंथ नंबर वन थोड़ा हेजिटेशन है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. नाउ पिनासु, संजय,
कार्तिक सिमरन स्टैंड अप ऑल ऑफ यू दोनों अप हो जाओ आ जाओ ओके आरटी आरटी आप तो बैठे रहे हो आरटी मैम है क्या आप मैम हो नहीं नहीं कर रही है सर अच्छा अच्छा सॉरी ठीक है आरटी और एक आरटी है ठीक है प्रियंका राज ओके स्टैंड अप राज ग्रुप स्टैंड अप पंपा राज खड़े हो जाओ कार्तिक पीछे अटेंशन जुम्बा टेक्वांडो कार्तिक कैमरा में आओ आप कैमरा की साइड पे हो हाँ पासिक स्टैंड बेटा आरटी बेटा आप ऐसे करो ना आरटी ओके सिंगल पांच वन आरटी थोड़ा ऐसे करो ना बेटा ऐसे सिंगल पांच वन टू थ्री फोर थ्री पांच वन टू किक स्टैंड सडनली हाई किक Side kick. Okay, nice. Suki number four. Suki number one. Very nice, wonderful. Okay, inside toeset kick karo. Inside toeset kick. Side kick. Wonderful. Okay. Passing stand. Good. Attention. Attention. Back turn. Kiki stand. Suki number four. Back turn. Okay. Back turn. Okay. चुकी नंबर थ्री आरटी आपको कैमरा पे देखना नहीं है आप आगे से आगे ही करो पीछे जाकर देखकर ही करो कैमरा पे देखना नहीं है बेटा ठीक है आपको सुनना और करना है ठीक है ओके फेस मी वेरी नाइस टेन स्टेप नंबर वन सीजा टेन स्टेप नंबर वन टू थ्री हाया जस्ट मैं अच्छा गया ठीक है वेरी नाइस वंडरफुल ठीक है थोड़ा है सीख जाओगे ठीक है ओके ज्योति एंजल ज्योति एंड आदिति अली And Puja, okay? Stand up. Okay? Jumba. Kick stand. High kick. One. Hari. Two. Front kick. One. Jyoti, beta, do. Two. Passing stand. Three punch. Ali Puja, yeah. Two. High kick. Sorry. High, मैं confused हो गया मुझे. High kick में high block. ठीक है high block. Punching stand. High block. Outside block. ठीक है. And it's on. Dance number one, Sijak. ठीक है. अच्छा किया, ठीक है सबने, ठीक है, okay, nice. और कौन-कौन है, मैम थोड़ा मैं, and किशन है. Lucky.
अनलकी है एंड लावण्या है, चिंतू है, साक्षी गुप्ता है, ओके लता प्रतिमा, पुनीत, अश्मिता है, अस्मिता है, लता, ओके ये आप लोग करो ठीक है बेटा। अटेंशन, स्टैंड अप। पुनीत, अटेंशन, जुम्बा, पांच एक्सटेंड, सिंगल पंच, टू थ्री पंच, थ्री पंच, हाई ब्लॉक, टू अरेसोन, बैकटर्न, बैकटर्न, पीछे देखो अस्मिता, ठीक है अरेसोन, टेस्ट नंबर वन, सीजक, बैकटर्न होकर करना, बैकटर्न होकर करना, बैकटर्न होकर सब बैकटर्न होकर करना, क्योंकि ये देखो ना ड्यूरेशन आपको ना एग्जाम में इस तरह भी हो सकता है, एग्जाम इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, यू डोंट नो, ठीक है, आपके मेरे तो सामने आदत बन जाएगा, ठीक है, आपका सब ड्यूरेशन में करना है आपको, ठीक है। टेंथ नंबर वन सीजक, टेंथ स्टेप, ओके ओके ठीक है, पांच फेस मी, पांच सिक्स टेन, अरेसोन, किस टेन, चुकी नंबर वन, फोर फोर, यस, टू वन, सिंधु कुमार आप लोग उल्टा क्यों आ रहे हो, सिंधु कुमार आपका कैमरा उल्टा हो रहा है, ओके वेरी नाइस वंडरफुल, जुवेल, इंद्रजीत, रशिदा, स्टैंड अप, बीटी, हिमांशु, तन्वी, आरती लोगों ने किया है ना मैम, ओके आरती ने कर लिया सर, आरती ने क्या, अरे ये लोग मैम, ये तो इंद्रजीत, रोशिदा, वृत्ति, हिमांशु, जुएल, ये सबने किया, सबको करो ठीक है बेटा, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ किसने किया थोड़ा, क्योंकि ठीक है मैम आप थोड़ा बच्चों को बता दो, मैं देखता रहूंगा मैम, लक्ष्मण देखना है ठीक है, रेडी, जिसने जिसने नहीं किया सब लोग स्टैंड अप, ठीक है अरेसोन, जिसका नहीं होने का अरेसोन, जुम्बा, पांच स्टैंड, वृत्ति करो, पांच स्टैंड लाइक दैट, जुम्बा अरेसोन, जुम्बा टेक क्वार्टो, पांच स्टैंड ha like that position not like this proper ha like that ठीक है, two yes one two three four इंद्रजीत कर क्यों नहीं रहे हो आप, करो three punch one two high block outside block Kikistan, Suki number four, Suki number पीछे जाना है, पीछे जाना है, Suki number three, two, one. क्या देख रहे हो करो. High kick one. इंद्रजीत. Two. बहुत अच्छा है. ये येलो बेल्टर है ना रशीदा के बरस गया ठीक है एंड साइकिक वन टू
ओके रिशॉन सबने अच्छा किया क्लियर ठीक है मैम सबका अच्छा है थोड़ा अभी टेंसेस नंबर ढूंढ थोड़ा दे हैव अ कंफ्यूजन ओके मैं अभी आई एम गोइंग टू टीच देम टेंसेस नंबर 1 ओके टेंसेस नंबर 1 ओके रेडी सेट अप सो सीधा का नहीं हुआ क्या हो गया सुन चेतेश सुन चुपा पे 1 2 टेंसेस नंबर 1 1 1 हो गया 2 ठीक है 3 ये 5 6 हो गया 4 5 ने किया है लावण्या रुको हैया आपको काउंट नहीं करना है 4 5 नहीं बोलना आपको हैया बोलना है क्योंकि ये 5 है 6 अदिति पाल आप खड़े होके करिए प्लीज 7 8 9 taekwondo अगेन 1 2 3 हैया हैया 6 7 8 9 taekwondo अगेन स्टार्ट And so on. Taekwondo. Again, 1, 2, 3, higher, higher, 6, 7, 8, 9. Taekwondo. Very simple. Okay? Okay? Take it down. Sugi number 1 of yours, higher. Okay? 2, higher, higher. Good time. 3, 4. Okay? Abhi mein ठीक है One, two, Zubair, three, four, and a song. Zubair, three, four, and a song. Passing stand. Three pounds. Pura excited, okay? Hey, come go. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. High block. 1, 2, 3, 4. Aarti, aap bhi kijiye. Acha block. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Very nice. Okay. Attention. Movement. Zero. Sanity zero. Body straight, like that. Hand like this, not like that. ऐसे नहीं रखना. इसको ऐसे रखते हैं ये. इसको ये. Body straight, ठीक है? Like that, ठीक है? ऐसे नहीं करना ना ऐसे रहना है. Straight, सुनिए दीज. इसको मेरे करते हो ना assembly में. It is most important for discipline, okay? ठीक है? And so. टे में हैंड्स आप हो गया क्वान डो अरेसो टे क्वान डो ठीक है अरेसो जुम्बा अरेसो सेंटीस सेंटीस अरेसो
ओके थोड़ा बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट डाउन। रिलैक्स, स्ट्रेट, ओपन, हैंड्स ले डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चिका, चिका, ठीक है, एंड रिलैक्स, जॉइंट स्ट्रेट, क्लोज योर आई, क्लोज योर आई। चिंटू आपको भी करना है, क्लोज योर आई, लाइक दिस मूवमेंट, नेक्स्ट मूवमेंट, हिप्स अप, हिप्स अप, डाउन एंड मेक ब्रीज, मेक ब्रीज करो एक बार, make breeze, come on, this was one exercise, ek bar dekh now, karte raho, nahi aise nahi hai, Aditi, it is a wrong, yes, karo, pass karo, एंजेल आप दिख नहीं रहे हो, प्लीज कैमरा अपने पर फोकस करो, मेक ब्रेस, आदित्य पाल, मेक ब्रेस, सोमी, इट इज मोस्ट एक्सरसाइज, इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, ओके, यस, yeah, एक स्मॉल बच्चा था, कहां पर गया, कहां गया, मैं दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, पियांशु, पियांशु, शो मी, मेक ब्रिज, शो मी, मेक ब्रिज, पियांशु, देखो, दिखाओ, दिखाओ, लेट लाइट एंड मेक ब्रिज, मेक ब्रिज, लाइक दैट, ब्रिज, ब्रिज, पियांशु, शोल्डर को उठाओ, या यस, हैंड को, हैंड को प्रेस करना है, ठीक है, आपको प्रेस करना है इसे, ठीक है, ये करना है आपको, ओके, नाउ थोड़ा स्लो मोशन करते, ठीक है, रिलैक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लाइक दिस, ओके, मेक फिस, फिस ऐसे करते, ठीक है, इसको ऐसे पकड़, मेक फिस बनाता है, थम्स को ऐसे रखते, थम्स को यहाँ पर ऐसे नहीं रखते, थम्स को ऐसे नहीं रखते, ठीक है, इस रॉन्ग, इसको ऐसे रखते, ठीक है, ओके, अभी लाइक दिस स्लो मोशन, 1, हाई ब्लॉक, देखो कोई हाई ब्लॉक ऐसे करते हैं, ठीक है, इट इज ए रॉन्ग, आपको लग जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा, ये हेड प्रोटेक्ट के लिए होता है, ठीक है, कोई अटैक किया, हेड प्रोटेक्ट के लिए होता है, ठीक है, ऊपर में अटैक करेगा तो ऐसे करते, ठीक है, नेक्स्ट साइड पे स्लैप करेगा तो नेक अटैक, आउटसाइड ब्लॉक, पूरी बॉडी को देखो, मेरा ये फ्रंचाइज है, देखो मेरा, 1, ऐसे नहीं होगा, समझ लो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही नहीं, मैंने तो यहाँ पर अटैक करा, यहाँ पर अटैक कर सकता है, यहाँ पर कर सकता है, यहाँ पर भी कर सकता है, ठीक है, अटैक पूरी तरह से को, ये ऐसे होगा, ठीक है, फेस भी हो जाता है, स्टोमास, फेस, सेस, नेक, पूरी तरह से, ठीक है, 1, लाइक दैट, 2, फास्ट मोशन है ये, 3, 4, ओके, हो गया, अभी 5, 1, ये ऐसे है, ठीक है, इसको ऐसे रखना, इसको ऐसे नहीं रखते, ना ऐसे रखते, इट इज अ रॉन्ग, ये गलत है, ये, और इसको ये मिडिल में रखना है, ठीक है, ऐसे नहीं रखना, मोड़ना नहीं है, देखो क्या होगा, मैं आई एम गोइंग टू पंच हियर, इसको स्ट्रेट रखना है, ठीक है,
ये ऐसे नहीं करते, ठीक है, लाइक दैट। अभी गॉट, इसको टाइट रखना है, आपका ताकतों का स्ट्रॉन्ग हो गया, अपना स्ट्रॉन्ग हो, ताकत से मारोगे ना, पांच करोगे ना किसी को, एग्जाम्पल देना, मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए आप लूज रखोगे तो लाइक दैट, टाइट रखना है, इसको टाइट रखना है, ठीक है, ये ठीक है, ये वन टू, और ये जब पांच करते हैं ना, बाहर से नहीं करते, पांच ऐसे नहीं करते, बाहर नहीं करते, सिक्स, ठीक है, ये पार्ट में, इनसाइड 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 को करते, ठीक है, थोड़ा अंदर करते, बीच में करता है, ठीक है, ठीक है, अभी गॉट, बाहर से नहीं करते, ये नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ये रॉन्ग है, ये कर रहे हैं ना, ये रॉन्ग है, ठीक है, लाइक दैट, लाइक दैट, ठीक है, समझ आ रहे हैं, हैंड शो मी हैंड, खुशी को समझ आ गए, खुशी, हैव यू गॉट, यस, एंड पायल, ठीक है, सबको आ गया बेटा, ठीक है, एंड ओके ओके, एंड संजय कैसे करते पांच, आप लोग तो येलो बेल आई थिंक रेड बेल तक हो गए होंगे, कैसे करते पांच, वन दिखाओ, बाहर बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है, पांच सबका, और थोड़ा अंदर, और थोड़ा अंदर करो, या देखो ऐसे, ठीक है, ओके, और प्यांशु भी अंदर करो, यस प्यांशु भी करो, वन, ठीक है, आरती देखो एक बार कैसे करते हैं, मैं सीनियर को पूछ रहा हूँ, ठीक है, आरती शो मी, और अंदर और अंदर और अंदर लो, या ठीक है, और यस, ठीक है, और आरटी, आरटी नोएडा, ओके, आरटी का नाम आपने क्या सीखा बताओ मुझे, सबको दिखाना क्या 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 सीखा आपने बेटा, आपने क्या क्या सीखा ये बताओ, करके दिखाओ, आज मैम लोगों को, सारे लोगों को दिखाओ, क्या क्या सिखाया आपने, सीखा आपने, खुद दिखाओ, खुद खुद उसने बताऊंगा, ये क्या है, हाइकिंग है, ठीक है, यार, और क्या है वो, अभी अच्छा कर रहे हो, ओके, और पांच सिक्स टेन, पांच सिक्स टेन, पांच सिक्स टेन, भैया सिंगल पांच, टू थ्री पांच, थ्री पांच, आरटी जब आप पांच करते हो ना, थोड़ा अंदर रखते हैं इसको ना, थोड़ा ऐसे रखते, ठीक है, बाहर नहीं रखते, बाहर होगे तो स्लिप हो जाएगा, ठीक है, अटैक करोगे स्लिप हो जाएगा, ठीक है, इनसाइड में रखते, ये सेल्फ डिफेंस के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ओके, हैव यू गॉट ऑल ऑफ यू, शो मी हैंड, यस, ओके, या ओके, नाइस, ओके मैं, ओके, आज बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा सबका, अच्छा लगा, और इंद्रजीत ऐसे नहीं करना, इट इज नॉट गुड, ऐसे नहीं करना, नाखून नहीं खाना है, ठीक है, टुकना नहीं नाखून को, क्लास के टाइम में कमर में हाथ नहीं डालना ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं रहना है, ठीक है, उदास भी नहीं रहना, क्लास के टाइम एनी टाइम भी नहीं रहना, ठीक है, ओके, स्टॉप, ठीक है मैम, मैम एक बार पूछ सकते हो, ठीक है मैम, कैसा लगा मैम, कैसा लगा बच्चों आप लोगों को क्लास, एक मेरा स्टूडेंट भी था एंजल नाम का, अभी मतलब वो मेरा बहुत साल पुराना स्टूडेंट है, मतलब मिनिमम 8 साल पुराना स्टूडेंट, 8-9 साल पुराना स्टूडेंट है मेरा, वो उस टाइम मतलब स्टूडेंट है, आज मैंने इसको बुलाया था, आपकी आपके बारे में बताया था, आप क्लास में ज्वाइन, शायद अभी तो क्विट कर दिया है, बिकॉज़ आई एम नॉट सी एबल टू सी, मुझे दिख रही है, अच्छा शी इज देयर, और आपको कैसा लगा क्लास मैम,
एंजल को अनम्यूट कर दीजिए, लोकेट कर पा रहे हैं तो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। हाउ डिड यू लाइक क्लास एंजल? It was a great working with Nitin sir always, and he teaches really well. And I hope this class would be helpful to everyone. Thank you, Angel. Thank you, ma'am. So, sir, you are getting lots of comments. Thank you so much, sir. Very, very nice class. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Very nice class. Very nice class, sir. Sir, very good class. Thank you, sir. Thank you so much for this very inspiring class. Very nice class, sir. Very, very nice class, sir. Thank you, ma'am. I have enjoyed a lot and learned a lot from the class. Kartik bol rahe hain. The class was so good for us. Ye Roshni Rohan kahan se aaya? So, sir, lots of good comments. And kids are really enjoying and happy to see them enjoying. Yes, Gulshan, thank you so much, sir. Sanjay and Bharat, wonderful class, sir. So lots of good comments. Thank you, Bacha. Thank you so much, sir, for giving your time to us and to everyone. Thank you, you very much. Wow, that's great, Arvi. Sir, you got one another comment. Sir, my aim for National Taekwondo. Yeah. For sure, Arvi. International tag. My international player bhi. My student international player. International player bhi hai. सर बता रहे हैं सर के जो स्टूडेंट है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, सो फॉर श्योर यू कैन बी ऑन द नेशनल देन द इंटरनेशनल। आजकल इंडिया में टाइगोनो में बहुत डिमांड है, मतलब इंडिया में बहुत अच्छा ओलंपिक भी खेल सकते हैं इस बार, जो आने वाले ओलंपिक भी खेल सकते हैं इंडिया। अभी तक खेला नहीं, खेल सकता है इस बार, श्योर है, मतलब खेलेगा इस बार। सो आपके अपने लिए भी अच्छा है, ये सेल्फ डिफेंस भी है, इसमें डिसिप्लिन भी सेलिब्रेंस के लिए भी है, अच्छा है, और एक एक ओलंपिक कंपटीशन भी है ये, ठीक है। सर, आपके लिए एक क्वेश्चन है सर, मुझे नेशनल खेलने के लिए क्या करना है? मैम नेशनल खेलने के लिए मैम आपको तो अभी तो जो ऑनलाइन क्लास दे रहा है वो तो हम क्लास करेंगे, और जब ऑफलाइन जब ये सिचुएशन सही हो जाएगा, होने के बाद हमारा क्लास वगैरह चलता रहता है, आपकी तो एनजीओ में भी चलता रहता है, और हमारा ऑफलाइन क्लास भी काफी जगह गुड़गांव में क्लास चलता रहता है। सर वन मोर थिंग, अभी आपकी ऑनलाइन चल रही है, एंड दोस किड्स हु आर इंटरेस्टिंग डूइंग इट, हम उनको आगे फॉर नेक्स्ट क्लासेस आगे भी ले जाएंगे, आगे बेल्ट के एग्जाम्स कराएंगे, सर आपको सिखाते रहेंगे। अगर आप नोएडा में हैं या उड़ीसा में हैं या जहाँ पर भी बैठे, आसाम में, बंगाल में, जहाँ पर भी हैं आप, डोंट वरी अबाउट इट, आपकी क्लास कंटिन्यू होंगी, आपके सारे एग्जाम्स होंगे, फिर जो हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो हमें बताएंगे हम आपको कि वो कैसे होंगे। दैट विल बी, वो तो आगे 8-9 महीने के बाद की बात है अभी, मतलब या 1 साल के बाद की बात है। अभी आप कंसंट्रेट करें, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग करें, अच्छे से खाना खाएं जिससे आप, और प्रैक्टिस करते रहें, जो भी सर ने सिखाया वो प्रैक्टिस करें, एंड प्लीज टेक केयर कि आप उनको अपने भाई बहनों पर ना आजमाएं, ठीक है ना, या दोस्तों पर ना आजमाएं, किसी पर आपको मारना पीटना नहीं शुरू करना है। दिस इज फॉर सेल्फ डिफेंस, राइट? दिस फॉर सेल्फ डिफेंस हैड, ओके। आप स्ट्रांग रहोगे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और ज्यादा स्ट्रांग रहोगे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और अच्छा और ज्यादा स्ट्रांग रहोगे तो अपनी सोसाइटी को, धीरे धीरे अपने स्टेट को, स्टेट के साथ इंडिया को, ठीक है। पहले आपको सीखना है, सारे बेल्ट्स क्लियर करने हैं, फिर धीरे धीरे आप खेलना शुरू करेंगे आगे, मतलब अपना जो भी वॉर्स होते हैं, जो भी होता है सर वो ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे, जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें आप करेंगे, वहां पर आप कैसे प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। सो अभी आपने फर्स्ट स्टेप लिया है, एंड धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे, राइट? ऐसे नहीं करते, ठीक है, कभी देखा ना आर्मी लोगों को, डिफेंस लोगों को ऐसे करते हुए, यस सर लाइक दैट। रुचि मैम जो है आपको कॉल कर लेंगी आरती, अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन क्लियर विद रुचि मैम, ठीक, जिनके जिनका फोन आपके पास आता है ना वो आपको कॉल कर लेंगे, जिन्होंने आपको आईडी जो भेजते हैं वो आपको कॉल कर लेंगे।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बच्चा लोग, सी यू ऑन मंडे, आगे बढ़िए, पूरा रेडी होकर आना है, ओके बाय बाय, सी यू ऑन मंडे।